सेना का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से करणी सेना काम कर रही है। सर, प्रदेश में करणी सेना किस तरीके से एक्टिव है? वो मीडिया ज़्यादा अच्छे से जानती है करणी सेना कितनी एक्टिव है और किस तरीके से। कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं आज? 18वां साल हो गया करणी सेना को, 19वां मतलब दिवस इस बार मना रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में पूरी करणी सेना प्रदेश में काम करती है, संगठित करने के लिए किस तरीके से एक्टिव रहते हैं? करणी सेना मेरे नेतृत्व में नहीं, करणी सेना माननीय स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब के नेतृत्व से 2006 से काम कर रही है और जब तक करणी सेना रहेगी आजीवन लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में काम करेगी। प्रदेश में कितने कार्यकर्ता आपके बन चुके हैं अभी तक? लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। करणी सेना का हुजूम आप मीडिया वालों से क्या छुपा हुआ है, अर्श से लेकर फर्श तक जहाँ देखोगे करणी सेना दिखाई देगी आप। अच्छा, एक सवाल अक्सर खड़ा होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कुछ ऐसा लगता है कि करणी सेना डाउन होती जा रही है और पूरे देश में कम वजन दिख रहा है। पीछे वार करने वाले गद्दारों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो मर्द की औलाद है सामने से आके गोली मारते हैं, पीठ पीछे गद्दा गोली मारते हैं, पीठ पे कोई गोली मार दे उसका करणी सेना क्या, कोई सी भारतीय सेना भी कुछ नहीं कर सकती, सामने से आएंगे तो करणी सेना घर तक छोड़ना जानती। तो इस तरीके से करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने वरदान एक्सप्रेस से उनका आज 18वां स्थापना दिवस। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आए स्वागत करने के लिए, जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से पूरे शहर में भव्य स्वागत किया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनुराग प्रताप सिंह का खजुराहो से आगमन हुआ, जो कि रैली जा रही है नौगांव के लिए, शहर में भव्य स्वागत किया गया, जगह जगह पर तलादान किया गया, युवा में जोश और उत्साह भरपूर मात्रा में पाया गया है। और हम देख रहे हैं कि बुलडोजर लगातार दोनों तरफ खड़े हैं, इनसे क्या हुआ है? ये इनके द्वारा फूल वर्षा निरंतर की गई है, जिसके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को हौसला अफजाई की गई है। करणी सेना किस तरीके से एक्टिव रहना चाहती है मध्य प्रदेश में? करणी सेना सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करके जो भी संगठन और हिंदू समाज के साथ एकत्र होकर काम करेंगे, उनके साथ समाज के कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलेगी। धन्यवाद। तो इस तरीके से शुभम से बात करते हैं, शुभम किस तरीके से स्वागत किया गया युवाओं ने गर्मजोशी से? यहाँ पर करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे इंदौर से, उनका स्वागत किया गया है। करणी सेना का जो 16वां स्थापना दिवस है, करणी सेना ने 16वें स्थापना दिवस में अपने एक ये सर्व समाज को लेने का और सबको साथ में इकट्ठा करने का एक प्रयास किया है, और जैसे बाबा बागेश्वर का जो एक हिंदू राष्ट्र का सपना है, उस हिंदू राष्ट्र के सपने को भी साथ उन्होंने ले लिया है। पहले ये सपना केवल कालवी जी का था, लेकिन जो 18वां जो इनका 16वां दिवस स्थापना दिवस इनका बना है, इसमें इन्होंने छतरपुर को इसीलिए कहीं ना कहीं चुना है क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग यहाँ से कर रहे हैं अपने धाम से, तो उन्होंने सर्व हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र के सपने को लेकर ये इतना बड़ा आयोजन किया है और सभी को एकत्र करने का। अच्छा, करणी सेना हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहा है, अगर ये लेके चलेगा तो किस तरीके से करणी सेना मध्य प्रदेश में और एक्टिव हो सकती है? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें एक इसको राजनीतिक अगर उससे अपन देख जोड़ा जाएगा तो आज के समय में जो परिवेश चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, कहीं ना कहीं जो पार्टी करणी सेना के साथ आएगी तो उसको हिंदू मतदाता एक तरफा मिलते हुए देखेगा। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने भी बताया, हिंदू राष्ट्र और की बात करने वाले जो करणी सेना है वह भी अब यहाँ पे सामने आ चुकी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में करणी सेना का यहाँ पे लगातार वर्चस्व देखा जाएगा, ये तमाम कार्यकर्ताओं ने बातें कही हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।